सुमन बोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। अभी हम आया है उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिला में। यहाँ पे मधुमक्खी को एकदम सेहत में लाने के लिए, मधुमक्खी को लेके, और उसके बाद उसको हर एक तरीके से, हर एक कैटेगरी वाइज उसको करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट बना गया है। और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा है, ये हो गया निमित जी का, निमित सिंह जी, जो इंडिया में सबसे बड़ी ये शहद को बिकने वाला और प्रोसेसिंग करके इसको हर एक तरीके से वो करने वाला है। उसके साथ साथ बेकार लोगों को रोजगार देने के लिए जो उनका थीम है, ये इनका यहीं से इसको प्रोसेसिंग होने के बाद हर एक तरीके से ही मैं चर्चा कर रहे थे। एक घंटे से लेके सुबह हम गए थे इनका प्रोडक्शन यूनिट में, जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा वहाँ पे ओपन स्पेस में। और अभी जो हम आया है, ये हो गया इनका प्रोसेसिंग यूनिट। तो देश में गिनी चुनी आदमी ऐसा है जैसे कि निमित जी के बराबर है। तो मेरे को जो लग रहा है कि इंडिया में फर्स्ट निमित जी ऐसी व्यक्ति है जो शहद को लेके बहुत बड़े पैमाने पर सोचे थे, और देश से विदेश में आज के डेट में एक्सपोर्ट करने वाला आदमी के लिए जो काम करता है उनमें से नंबर वन इन्हीं का है। और मैं वहाँ पे सुबह भी बोले थे, आज भी ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात एक प्रोग्राम होता है, उसमें निमित जी को नाम प्रधानमंत्री जी लिया है। बहुत गर्व की बात है कि उनके साथ मैं अभी खड़ा हूँ। और मैं चाहूँगा कि निमित जी आप भी थोड़ा दो शब्द बोलिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। बहुत कुछ मैंने मन को ये करके लेके आया था आपका पास कि इसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरा बंगाल में इसको फैलाएंगे, उसके साथ साथ असम के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए भी, और उड़ीसा के लिए भी हम इसको ले जाएंगे। तो काफ़ी देर तक मैं कल से आपको सब चर्चा किया है। आज भी मैंने जो जो सेक्टर जाने के लिए मैं दिल्ली से अभी आया है वो मैंने कल आपके साथ बात किया है। आज प्रैक्टिकल फील्ड में गए थे, अभी आपका जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे आया है। तो आप नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे रजौली गाँव मधुमक्खी वाला प्रोसेसिंग के सेंटर पे। हमारा बेसिकली यहाँ पे काम ये होता है कि जो हनी हम लोग फील्ड में प्रोडक्शन करते हैं उसको यहाँ पे लाने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए चीज़ें अस्त व्यस्त दिख रही हैं आपको। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो प्रोसेसिंग यूनिट आपको दिख रही है पूरी, यहाँ पे हम हनी को प्रोसेस करते हैं। पर डे 2000 kg हनी हम प्रोसेस कर पाते हैं, जिसमें कि हनी को फिल्ट्रेशन करना, उसका मॉइस्चर रिड्यूस करना, और उसके बाद उसको फाइनल स्टोरेज टैंक में लाने के बाद उसको बॉटल में फिल करना, या बॉटल बना करके ड्रम में, जैसे भी डिमांड हो मार्केट में, 30 ग्राम से लेकर 300 kg तक हम यहाँ पे हनी को प्रोसेस करते हैं। और हनी को प्रोसेस करने के बाद इस तरह के बॉटल में पैक करना, या फिर हम इस तरह के छोटे बॉटल्स में 250 ग्राम 30 ग्राम में बॉटल में पैक करना, उसके बाद हम कॉर्पोरेट पैकिंग, इस तरह की जो गिफ्टिंग पैक होता है उसमें पैक करना, जो इसका वैक्स निकलता है उस वैक्स का कैंडल, डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैंडल्स बनाने, इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग। और ये कैंडल की खासियत ये है कि ये कैंडल रीयूज कर सकते हैं, जलने के बाद जो वैक्स नीचे बचेगा उस वैक्स को आप दोबारा रीयूज कर लीजिए, या तो आप उसको फुट क्रैक क्रीम, लिप बाम, जो भी बनाना चाहते हैं घर में, क्राफ्ट आइटम तरह बना सकते हैं। तो मैं मेरा जो अनुभव रहा है हनी में, तो मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि अपने नॉलेज को शेयर किया जाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे जुड़े, महिलाएं जुड़े, ताकि वो अपने आप को स्वरोजगार बना सकें, स्किल कर सकें। तो सुमन कोले जी हमारे पास कलकत्ता से और दिल्ली से चलकर आए, तो मैं उनका अपने मधुमक्खी वाले संस्था की तरफ स्वागत करता हूँ सर। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके साथ मिलकर के कैसे हम और युवाओं को और महिलाओं को रोजगार दिया जाए, स्वरोजगार दिया जाए, उसके साथ हम आपके साथ कार्य करेंगे। और मधुमक्खी वाले का पूरा सहयोग और पूरा जो तकनीकी सहयोग है हमेशा रहेगा आपके साथ, चाहे वो छोटे स्तर पे हो चाहे वो बड़े स्तर पे हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ पर आए और अपना अनुभव शेयर किए। और एक बात है कि मैं चाहता हूँ कि निमित जी के साथ, जो निमित जी का जो मधुमक्खी वाला जो वो है संगठन है, उसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमयू करके इस काम को पूरा एकदम एक स्टेज तक ले जाए। बिल्कुल सर, जो आपके सर ट्राइफेड जो सर संस्था का नाम है, भूल रहा हूँ जो क्या नाम, KVHK हाँ, KVHK के साथ हम ज्वाइंट वेंचर में हम एज अ नॉलेज पार्टनर वर्क करके, और किस तरह से हनी और हनी की जो साइंटिफिक बी कीपिंग है उसमें लोगों को जोड़ करके, और प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज तक कराना, ना कि फॉरवर्ड लिंकेज दे के लोगों को छोड़ देना। फॉरवर्ड लिंकेज के साथ साथ आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उसको बैकवर्ड लिंकेज से जोड़ें और फॉरवर्ड मार्केट तक ले जाकर उनको हैंड होल्डिंग किया जाए। एक संस्था का काम ये होना चाहिए ताकि कल को आदमी इंडिपेंडेंट अपना कार्य कर सके। धन्यवाद सर, जय श्री।